हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाउ टू कनेक्ट ब्लूटूथ। फ्रेंड्स, आप अपने रियलमी के X50 प्रो मोबाइल के अंदर ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें। फ्रेंड्स, आपको इसलिए स्लाइड डाउन करके अपना ब्लूटूथ अनेबल कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स आप ब्लूटूथ ऑप्शन अनेबल कर लेंगे, आपको यहाँ पे दूसरा फोन की जरूरत पड़ेगी इससे कनेक्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके फोन को भी आपको यहाँ पे ब्लूटूथ ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स, आप दोनों फोन से यहाँ पे ब्लूटूथ ओपन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे मेरा टेक्नो स्पार्क का फोन है ये, और ये मेरा यहाँ पे Realme 5X Pro है। तो फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे टेक्नो स्पार्क पे क्लिक करके यहाँ पे पेयर कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे दोनों फोन के अंदर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे इजिली पेयर का ऑप्शन आ चुका है, तो मैं पेयर के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो दोनों फ़ोन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो फ़ोन है इजीली कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे पेयर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे फाइल रिसीव वगैरह कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने ब्लूटूथ को कनेक्ट करना जान चुके होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।